بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله خالق الوجود من الأدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد तमाम किस्म की तारीफ की बड़ाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है और लाखों नहीं करोड़ों दुरूद व सलाम भेजते हैं हम तमाम अंबिया इकराम पर खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नवाखिदुल इस्लाम की इब्तिदा से पहले ये बात काफ़ी अहम और ज़रूरी समझी कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत से बाज़ इख्तबासात या उनकी सीरत की कुछ झलकियाँ अज़ीज़ तलबा के सामने रखें और उसकी वजह ये है साथियों कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की शख्सियत को तारीख के अंदर काफ़ी मजरूह किया गया बल्कि आपके हरीफ या बाल्फाज दीगर आपके दुश्मनों ने ये कोशिश की कि आपको एक नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक गुमराह मुसलिह के तौर पर पेश करने की कोशिश की जो इस उम्मत के लिए फितना बना। हालांकि हकीकत में आप रहमतुल्लाहि अलैह ने सही मानों में दीन की तजदीद की और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे मुसलमान आपके उलूम से और आपकी मेहनत से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो मैं अर्ज करना चाहूँगा और शायद आपके जहन में भी आया होगा कि क्या वजह है कि हमने बजाय इसके कि शेख के तालीमी मराहिल तलामिज़ा असातिज़ा जो मनहज आपका दावत के मैदान में था जो तकलीफ़ें जो आजमाइशें जिसका सामना शेख ने किया उसके बजाय हमने इससे इब्तिदा की कि शेख के ऊपर जो एतराज़ात हुए हैं और शेख के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो उसकी वजह यह है साथियों कि जब कभी आप किसी शख्सियत के मुतालिक गलत नज़रिया क़ायम कर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप चाहे जितना उसके मुतालिक पढ़े आपके जहन में यही सवाल रहेगा लेकिन हमने तो ये भी उनके बारे में सुना था है कि नहीं। तो मैं ये चाहता था कि इससे कबल के हम उनकी सीरत को आपके सामने बयान करें जो बाज़ मशहूर एतराज़ात उन पर किए गए हैं वो एतराज़ात का आपको जवाब दे दें ताकि जब हम सीरत शुरू करें तो आपको ये मुकम्मल इस बात पर यानी सैर हासिल बहस हो चुकी हो और मुकम्मल आप इस बात पर मुतमईन रहे कि वाकई में शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह उलमाए हक में से थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जरिए से तौहीद की दावत उलमाए अरब में सरजमीन हिजाज व नजम में नहीं बल्कि आपकी मेहनतों की बरकत की वजह से काफ़ी सारे खित्तों में शिर्क ख़त्म हुआ बिदात खुराफात ख़त्म हुए और तौहीद नाफिज हुई। तो ये चीज़ आपको इत्मीनान यानी ये इत्मीनान होना चाहिए इससे पहले कि हम जो है आपकी सीरत को शुरू करें। अब यहाँ पर एक चीज़ दो तीन चीज़ें हम रखते हैं साथियों। पहली चीज़ तो ये देखें
कि आपके मुताल्लिक आपने मशहूर वाकया वो सुना होगा बहुत सारे उलमा से। मैंने जाती तौर पर ये वाकया शेख सुलेमान रोहेली से सुना कि हिंदुस्तान के अंदर एक आलिम दीन थे जो शेख उलिस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को बुरा बुरा भला कहते थे। उसके बाद एक दिन उन्हीं के एक शागिर्द ने उन्हें किताबु तौहीद ला कर दी, है कि नहीं। अब किताबु तौहीद जब लाई तो उसमें से मुसन्निफ का नाम हटा दिया। अब यहाँ पर साथियों, इससे पहले कि मैं वाकये को आगे बढ़ाऊं, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि किताबु तौहीद से चंद बातें जो हमारे फाजिल दोस्त ने जमा किए हैं, मैं वो आपके सामने नकल करना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हम पढ़ाएंगे तो काफी वक्त भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबु तौहीद अल्लज़ी हुवा खुल्लाही अलल अबीद, इस किताब के बारे में चंद अहम बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है साथियों, इस किताब का बुनियादी मौजू तौहीद उलूहियत है। अगरचे इमाम शेख उल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने तौहीद रुबूबियत और इख्तिताम पर यानी कंक्लूजन पर तौहीद अस्मा व सिफात के भी बाज़ इख्तसार जिक्र किए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस किताब का मौजू तौहीद उलूहियत रहा है। यानी जो इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खास है, उन्हीं इबादतों को बजा लाया जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही उन इबादतों को मखसूस किया जाए, किसी और को उसमें शरीक ना किया जाए। फिर दूसरी बात साथियों, उस किताब के अंदर कुल यानी यूं समझे 57, यानी 57 कहते हैं या 77 कहते हैं, 67 छः पर सात यानी 60 और 7 अबवाब कायम किए शेख उल इस्लाम ने, यानी इस बहस को समझाने के लिए। फिर इस किताब में बहुत तब्दील यानी दिक्कत के साथ इन उमूर की निशानदही फरमाई जो तौहीद के मनाफी है, यानी वो मसाइल जो इंसान के तौहीद को नाकिस कर देती है या कमजोर कर देती है, उनकी निशानदही की। और उन उन मसाइल जो हमारे माशरे में राविज पा चुके हैं, उमूर की निशानदेही में इमाम साहब ने बतौर इस्तेशाद कुरान मजीद की आयत अहादीस आसार और सलफ सालहीन के अहवाल नकल किए। अब बाद अहले इल्म ने जिक्र किया है कि इस किताब के अंदर कम वबेश 125 अहादीस है, और उमूमन जितने भी रिवायात किताबु तौहीद के अंदर है या तो वो सही है या तो वो हसन है, नहीं काबिल एतमाद है। हाँ, ये मैं आपके सामने ये बात बाद अहले इल्म ने बाद रिवायतों पर कलाम किया है, लेकिन अलबत्ता कोई भी रिवायत मौजू या मनगढ़ंत नहीं है। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि किताबु तौहीद में मौजूदा तमाम अहादीस काबिल एतमाद है और उनके शवाहिद, यानी शवाहिद क्या कहते हैं, कोरोबोरेटिंग रिपोर्शंस यानी कोरोबोरेटिंग रिपोर्ट्स, यानी ये कहते हैं कि उसके मिसाल के तौर पर आप देखें कि उसके एविडेंस यानी सपोर्टिंग एविडेंस, हाँ सपोर्टिंग एविडेंस तख़वीया दूसरी रिवायतों से मिलती है। अब शेख सालेह अल फौज़ान लिखते हैं कि साहिब किताब यानी शेख उलिस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस किताब में सिर्फ सही व हसन रिवायत या इन ज़ईफ़ रिवायत का तस्करा किया जिनके शवाहिद या किताब व सुन्नत में इनकी कोई असल मौजूद है, यानी कोई बेअसल रिवायत नहीं है। अब जो किताबें, यहाँ पर एक बात ये तलबा के लिए है, जो अहादीस शेख ने अपनी किताब के अंदर नकल की है, खासकर इस किताब किताबु तौहीद के अंदर, तो बाज़ाब्ता उसकी तखरीज की है बाज़ उलमा ने, यानी वो कहाँ वो हदीस किन किन किताबों में है। कब मिसाल के तौर पर दुर्रुन नज़ीद है, तखरीज अहादीस है, यानी पांच किताबें हैं मेरे इल्म के मुताबिक, और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब इस किताब के अंदर 591 मसाइल हैं, अल्लाहु अकबर, कितने 591, जिससे इस्तेमबाद किया गया है। एक बाब में यानी कितने बाब है पूरे, जैसा मैंने कहा 67 अबाब है, एक बाब में ज्यादा से ज्यादा 30 मसाइल और कम से कम 2 मसाइल इस्तेमबाद किए गए हैं। अब यहाँ पर और एक बात याद रखें, बाद उलमा ने इन अबवाब से मुस्तफिद मसाइल पर अलग किताब लिखी है, यानी इन 67 चैप्टर्स जो शेख ने बांधे हैं उस पर मुस्तकिल किताबें लिखी है, जैसा कि शेख मोहम्मद बिन शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रहमहुल्ला की किताब है तौज़ी अल मुफीद लि मसाइल तौहीद, ये मुस्तकिल सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड है। अच्छा, और एक बात, आज तक यानी मुआसिर इल्म यानी आज के जो उलमा है वहां से लेकर हर दौर में अहले सुन्नत के तमाम उलमा इस किताब की तारीफ व तौसीफ करते नजर आए और बल्कि इसको याद भी किया है। आप इस किताब का अंदाजा इससे लगाएं कि इस किताब का तर्जुमा आज 21 जबानों में हो चुका है, 21 जबानों में, और इसकी शुरुआत तो कई सारे हैं। एक तो शरा जो खुद शेख उल इस्लाम के जो पोतरे थे शेख सुलेमान बिन अब्दुल्ला बिन हमद बिन अब्दुल वहाब, इनकी एक किताब है तहसीरुल अजीज़ुल हमीद फी शरा किताबित तौहीद। अब जाहिर सी बात है ये शरा मुकम्मल नहीं हो पाए, 7 अबवाब कबल ही यानी शेख के पोते का इंतकाल हो गया। फिर एक है तहकीक व तजरीद फी शरह किताब तौहीद, यह है शेख अब्दुल हादी इब्ने
मोहम्मद रहमहुल्ला की, फिर फतहुल मजीद शरा किताबु तौहीद, यह शेख अब्दुल रहमान रहमहुल्ला की, फिर उयूनुल मुवहिदीन फी तहकीक दावतुल अंबिया वल मुरसलीन, ये भी एक शरा है शेख अब्दुल रहमान बिन हसन की, फिर और भी बहुत सारे यानी यूं समझे शुरुआत है लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। एक शराह का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, वो है मुगनी उल मुरीद अल जामे अल शुरू किताब तौहीद, ये है शेख अब्दुल मुनीम की। ये किताब किताब तौहीद की ये जो शराह है ये 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, हालांकि शुरुआत तो काफी ज्यादा है लेकिन ये एक जो शराह शेख अब्दुल मुनीम की ये शराह 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें यानी साहिब किताब ने किताब तौहीद के मुतअद्दी शुरुआत के तमाम फायदे जमा कर दिए हैं। बहरहाल तो मैं समझता था कि ये बुनियादी बातें किताबुत तौहीद के मुताबिक आपके इल्म में रहनी चाहिए। अब बात यह अर्ज कर रहा था कि तालिबे इल्म ने ये किताब उसका पहला सफा फाड़ कर यानी शेख का नाम निकाल कर उस आलिम को दिया। जब उस आलिम को वो किताब दी और पढ़ा तो फिर पूछा कि आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि माशा अल्लाह काफी बेहतरीन किताब है, खाल अल्लाह खाल रसूल सहाबा के अकवाल आसार। कहा कि ये वही आदिम दीन की किताब है जिसको आप बुरा भला कहते थे। अब यहां पर साथियों इससे कबल कि मैं आगे बढ़ूं, एक नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपको इशारा इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो है प्रोपेगेंडा, अफवाह, हो सके तो इसको नोट करें, बल्कि मेरा इरादा है और मैं जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह ने अगर तौफीक दी और हयात बख्शी तो मुस्तकिल एक दर्स या कम अज कम एक खुतबा मैं जिंदगी में जरूर दूंगा कि अफवाह की शरी हैसियत क्या है, क्या वजूहात है, क्या अकसाम है, फिर माशरे पे उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग प्रोपागेंडा की वजह से कई सारे गुनाहों में मुबतला हो जाते हैं। यहां पर मैं मिसालें अगर देने चलूं, अर्ज कर रहा था कि शरीयत के अंदर अफवाह की क्या हैसियत है, बल्कि आप देखें, अब देखिए आलिम ने किताब नहीं पढ़ी, बस नाम सुनकर ये मुतय्यन कर लिया कि शेख जो है बुरी शख्सियत है या नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक गुमराह है। आप यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात के अंदर क्या बयान किया कि इन जाकुम फासिकुन बिनबईन फतबयन, कि जब कोई फासिक जब कोई खबर तुम्हारे पास पहुंचे तो तहकीक कर लो। और देखें साथियों मैं बस 3 मिसालें आपके सामने देता हूं, वरना जैसा मैंने कहा घंटों इस मौजू पर बहस की जा सकती है। पहली मिसाल, सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन हिजरत कर कर कहां गए, हबशा गए, पहली हिजरत हबशा की तरफ इथियोपिया। जब वो वहां पर गए वहां पर उनको खबर मिली कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, वो वापस आ गए, है कि नहीं। जब वो वापस आए हालांकि अफवाह थी तो कई सारे मुसलमानों को दोबारा कुरैश के हाथों जुल्म को सहना पड़ा, कुरैश ने उन पर हद दर्जा सितम ढाया। मुसअब इब्ने उमेर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए ग़ज़वा उहुद में, बहुत सारे लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, कई सारे लोग मैदान छोड़कर उस वक्त भाग गए अफवाह की वजह से। आप उस वक्त सुलह हुदैबिया के मौके पे भी सैयदना उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये को इसी तरीके अफवाह को देखे कि उनको कत्ल कर दिया गया। फिर उसी तरीके से आप वाकया इफ्क उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जो बहतान लगाई गई, जब कभी अफवाहों को तक़वियत मिली या अफवाहों का यानी यूं समझे उसको माशरे में फैलाया गया तो उसका नुकसान हमेशा उम्मत मुस्लिमा को हुआ है और आज भी हो रहा है मीडिया के जरिए से। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसमें एक तालिबे इल्म क्या करे, तालिबे इल्म मुमय्यिज़ यानी तालिबे इल्म अलग होता है साथियों माशरे से, वो एक तरीके से नहीं सोचता, यानी वो अवाम की तरह नहीं सोचता, अगर वो अवाम की तरह सोचे तो फायदा क्या है इल्म हासिल करने का। तो तालिबे इल्म को क्या चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या है, दो चीजें, बहरहाल काम करने के तो काफी सारे हैं लेकिन दो चीजें। पहली चीज कि वो जल्दबाजी ना करे, क्यों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया गया, जो जल्दबाजी है किसकी तरफ से, जो उजलत है ये शैतान की तरफ से, वो इत्मीनान से जो है काम ले। और दूसरी चीज तहकीक करे कि आया ये जो वाकियात, आया ये जो रिवायतें, आया ये जो अखबार हमें मिल रही है क्या वो सही है या गलत है? समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अब देखें इससे क्या बात पता चली साथियों कि इतना प्रोपागेंडा आपके खिलाफ किया गया, और इन्हीं के मुतालिक नहीं बहुत सारे उलमा के मुतालिक, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मुतालिक भी इतना प्रोपागेंडा किया गया, बल्कि बाद लोगों ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे ऐसे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। यही बात अल्लामा ने तैमिया रहमहुल्लाह के मुतालिक मिलती है, यही बात इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मुतालिक मिलती है कि आपको नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक राफ़िज़ी करार दिया गया, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह को नासबी करार दिया गया, इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह को मुजस्सिमा करार दिया, मुजस्सिम करार दिया कि ये यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जिस्म को, यानी बहरहाल
तकसीम मिसालें यानी तशबीह दिया करते हैं मखलूकात से, ऐसी चीजें जो है ऐसे इल्जामात लगाए गए अहले इल्म पर, तो ये आम है साथियों। तो तलबा को क्या करना चाहिए, आया अदलो इंसाफ से काम लेना चाहिए, तासुब से हटकर, हिज्बियत से हटकर वो अदलो इंसाफ से काम ले। ये तो पहली बात थी। अब दो बातें इसमें है साथियों, क्या हम शेख उल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह को मासूम मानते हैं? आप पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि आप शेख उल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का दिफा कर रहे हैं? पहली बात, इसके दो नाहियों से मैं जवाब देना चाहूंगा, और मैं भी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तलबा इस बात को समझे। मस्जिद हराम के एक मुदर्रिस गुजरे हैं, ये असल में शेख मोहम्मद अमीन शंकीती रहमहुल्लाह के शागिर्द थे, और उनका नाम था अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद शंकीती, समझ रहे हैं आप। तो उनकी एक किताब छपी है कुवैत से उनकी एक किताब छपी है, मजालिस मा शेख मोहम्मद अमीन शंकीती, यानी वो मजालिस जिसमें वो शेख अमीन शंकीती रहमहुल्लाह के साथ थे। और मैंने आपको पिछले दर्स में भी बताया था कि शेख मोहम्मद अमीन शंकीती इल्मी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, बल्कि मैंने एक मुहादरा भी शायद आप लोगों को फॉरवर्ड किया था कि जिसमें शेख मोहम्मद अमीन शंकीती रहमहुल्लाह की जो है पूरी सीरत बयान की गई। उसके अंदर शेख मोहम्मद अमीन शंकीती रहमहुल्लाह का एक वाकया नकल करते हैं, और वो वाकया क्या है, कहते हैं कि मिस्र से एक आदमी उनके पास आया और शेख उल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की एक राय, हालांकि वो राय शेख की राय नहीं थी बल्कि शेख की तरफ शेख के बाद हरीफों ने या फिर शेख के बाद दुश्मनों ने मंसूब किए, उसका तो जवाब अलग है, वो कभी हम तफसील से बयान करेंगे। लेकिन शेख अमीन शनकीती रहमहुल्लाह ने उसका जवाब ये दिया कि ऐ मिस्री, कि जो नबी हमारे तरफ भेजे गए हैं, क्या मैं उन पर ईमान लाऊं या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह पर? जो तुम कह रहे हो हमारी राय है, बिल्कुल हमारी राय उसके मुताबिक होगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन लाया, और जो नबी हमारे पास आए हैं वो मोहम्मद इबन अब्दुल्ला है, मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब नहीं, और वो मक्का में पैदा हुए हैं हुरेमिला में नहीं, और वो मदीना में दफन हुए हैं दरिया में नहीं, और वो हमारे पास जो किताब लेकर आए हैं वो किताब कुरान है। अल्लाहु अकबर। यानी क्या माना कि बेशक मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह अपनी जगह बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, मुजद्दिद है अपने दौर के, लेकिन हम जिनको वाजिबुल इत्तिबा या मासूम अनिल खता समझते हैं वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल यहाँ पर ये है साथियों, और जो काफी अहम सवाल है, कि हम इनका दिफा क्यों कर रहे हैं साथियों? अल्लाह अकबर। इनका दिफा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हो सकता है कि कयामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे चेहरे को आग से महफूज कर दे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल अलैहिर्रहमा मुस्तन अहमद के अंदर असमा बिनत यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा से, और उसी तरीके से सैदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला सैदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है सुनन तिरमिजी के अंदर, और ये रिवायत सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्द यकीही रद्द अल्लाह अन वजही नहारा यौम अलकियामती और कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज्जत, यानी अब यहाँ मैं बाद रिवायतों में और भी लफ्ज आए हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में, यानी उसके गैब में, यानी जब वो मौजूद ना हो, इस चीज को दूर करेगा जो उसे ऐबदार करती है, अल्लाह ताला कयामत के दिन इसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा। अब आप समझे है कि नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन जहन्नम से इसको, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो बात यह अर्ज कर रहा था कि बात यह अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीम फजीलत बताई है। इस हदीस में इस बात की शराह के अंदर आप उठाकर देखेंगे, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने इसकी शराह करते हुए, जो बुलुगुल मराम की शराह है सफ़ा नंबर 291 और 292, जाहिर सी बात है इबारत अरबी में है, मैं आपको मफहूम समझा रहा हूँ। इस हदीस में इस बात की बड़ी फजीलत वारिद हुई है कि किसी मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा किया जाए, बल्कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस अमल को जहन्नम से नजात का जरिया बताया। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, यानी ऐसी आग जो दहकने वाली आग है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आग से हमारी चेहरे की हिफाजत फरमाएगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी मुसलमान की इज्जत का दिफा करना एक मुस्तहब और बेहद पसंदीदा काम है। इस हदीस पर अमल करते हुए अगर ऐसी शख्सियात की इज्जतों का दिफा किया जाए जो साहिब फजीलत हो, तो इस अमल की अहमियत और बढ़ जाती है।
मसलन अगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी की जाती है या इन पर गलत और झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, तो ऐसे सहाबी का इज्जत का दिफा करना बहुत बड़ी इबादत और बहुत बड़े अजर और सवाब का बाइस है। इसी तरह सहाबा के बाद ताबईन की जमात उम्मत मुस्लिमा की अफजल तरीन जमात है। और इसी का जिक्र करते हुए शेख साले अल फौजान ने यहाँ तक कहा कि इसमें हुक्मरान जो साले हुक्मरान हैं और जो उलमा हैं ये भी जो है शामिल है। तो इस वजह से हम इस हदीस पर अमल करते हुए जो भी बेजा एतराजात आप रहमहुल्ला की शख्सियत पर किए गए हम उसका दिफा कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं और दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये तो दो बातें बुनियादी हो गई। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे बहुत सारे एतराजात आप पर किए गए, लेकिन तीन एतराजात आज हम रखेंगे। पहले जो बुनियादी या फिर यूं समझे जो पहले पहल एतराजात थे, पहला एतराजात तो आपके ऊपर ये किया गया था कि आपने नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक नबुवत का दावा किया, ये एक एतराज हुआ। दूसरा एतराज ये हुआ जो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये तो एक आम एतराज है जो आप लोगों ने भी बार बार सुना होगा। तीसरा एतराज ये है कि आप अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, यह रवाफिज की तरफ से आम एतराज शेखुल इस्लाम अहमद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह पर होता है। तो चले देखते हैं इन एतराजात की हकीकत क्या है। पहला जो एतराज है आपके बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ लिखा हिंदुस्तान के अंदर भी और अरब के अंदर भी, चाहे वो शेख दहलान हो, शेख हद्दाद हो, या उसी तरीके से दीगर मुब्तदीन ने आपके खिलाफ लिखा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इकतबा जो हद्दाद का है लिखता है कि मोहम्मद अब्दुल वहाब अपने पैगंबर होने का दावा छुपाते हैं, यानी नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उसके अल्फाज हैं। ज़बानी अल्फाज के बजाय इनके अहवाल इस दावे की मुंह बोलती तस्वीर थी। इसके सबूत में उलमा के इस बयान का पेश किया कि आगाज में अब्दुल वहाब इन लोगों के बारे में बहुत शौक से मुताला करते थे जिन्होंने खुद अपने बारे में पैगंबर होने का झूठा दावा किया था, मसलन मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, तुलहा असदी वगैरह। अब यही बात दहलान ने भी खुलासतुल कलाम और दुररुस्सनिया फिर रद्द अल वहाबिया में इसी किस्म का इल्जाम तराशा है और दीगर लोगों ने भी इसी किस्म के बातें कही हैं। लेकिन साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर आप खुद शेख इस्लाम अब्दुल वहाब के मुअल्लिफात पर गौर करेंगे, आपने क्या कहा, कल मैंने आपके सामने अकीदा बयान किया था कि आपने फरमाया कि मेरा ईमान ये है कि हमारे पैगंबर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीईन है और आखिर रसूल है। किसी भी शख्स का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक वो यकीन के साथ ये गवाही ना दे कि आप नबी और रसूल थे। अब आप देखें, फिर आपने ये भी लिखा है कि हर मुसलमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक सबसे ज्यादा है, तुम्हारे ईमान की गवाही का तकाजा यह है कि तुम जहां अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सम के बारे में अल्लाह के रसूल होने की गवाही दो, वहीं ये भी गवाही दो कि आप आखिरी रसूल हैं। तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि अगर तुम किसी सहाबी को भी नबी का दर्जा दोगे तो तुम काफिर हो जाओगे। शेख अब्दुल लतीफ ने ये पूरे इकतबासात दखल किए हैं, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद और एक इकतबास में नकल करता हूं ताकि इस यानी यूं समझे बेहुदा एतराज का जो है और भी इजाला हो जाए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये खुद कहते हैं इनके दुश्मन कि शेख ने ये अकीदा छुपाए रखा। अच्छा, जब शेख ने ये अकीदा छुपाए रखा तो फिर इन्हें कैसे पता चला? क्या ये अलीमुम बिज़ाति सुदूर है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके ऊपर वही नाजिल की और बताया कि फला शख्स ने नबूवत का दावा अपने दिल में कर लिया है? तो आप देखें, जैसा कहते हैं कि झूठ बोलने वाले के पास अक्ल नहीं होती और यही हाल है। अगर शेख ने यह अकीदा छुपाया रखा था और यकीनन नहीं ये झूठ है, तो फिर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि तुम्हें कैसे पता चल? तो ये तो पहला एतराज था और ये बिल्कुल बेबुनियाद एतराज है। दूसरा एतराज जो आप जानते हैं कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, ये जो है क्या कहते हैं, ये आपके ऊपर एतराजात किए गए। अब ये एतराजात इब्ने सहीम ने शेख पर इस किस्म के आयद किए, यानी इब्ने सहीम एक शख्स था जिसने आपके ऊपर ये एतराजात किए। अब शेखुल इस्लाम ने खुद इसके जवाब में जो है जवाब दिए। असल में ये क्या हुआ साथियों, जब शेख रहमहुल्ला ने इनके शिर्क, इनके बिदआत, इनके खुराफात का रद्द करना शुरू कर दिया तो ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए और तरह तरह के इल्जाम लगाए।
अब यहां पर जाहिर सी बात है इख्तबासात तो मैं रखूंगा, लेकिन समझे एक एतराज तो ये लगाया कि आपने नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी में मिल चुके हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बरज़खी का इनकार करना, या फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं गुम्बद जो है, जो ग्रीन टॉम जिसे हम कहते हैं कि उसको मैं मुनहदिम यानी गिरा दूंगा, ये जो है शेख के जो है यानी शेख की ये ख्वाहिशें हैं या अकायद है, ये बातें किसकी तरफ मंसूब की गई? शेख उल इस्लाम मोहम्मद बिन वहाब के बारे में। शेख खुद कहते हैं कि ये खालिस झूठे इल्जाम है जो सिर्फ दलाइल उल खैरात की मुखालिफत की वजह से लगाए गए हैं, और मेरी मुखालिफत की वजह ये थी कि लोग इसको तिलावत कुरान से ज्यादा मुकद्दस समझने लगे। अब यानी जब शेख ने इनका रद्द किया इनकी किताबों का, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, फिर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक इख्तबास जो मैं नकल करना चाहूंगा और आप लोग इसको तवज्जो से सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखें, क्या कहते हैं शेख, कहते हैं और ये जो हम पर झूठ घड़े गए कि माज अल्लाह कुरान की मनमानी तफसीर करते हैं और इसके मतालिब बयान करने में किसी मुतमद तफसीर की पाबंदी को जरूरी नहीं समझते, ये भी बात बयान की जाती है। आप आज भी यूट्यूब की दुनिया खोलें कि शेख ने मनमानी तफसीर की, जो आयतें कुफार के मुतालिक नाजिल हुई है वो आयतें मुसलमानों पर जो है मुंतबक कर दी, या वो आयतें मुसलमानों के लिए जो है फिट कर दी, तो क्या कहते हैं, और हम इस हदीस को लेते हैं जो हमारी अक्ल के मुताबिक, और इस हदीस को तशरीह में किसी मुस्तनद शराह की तरफ मराजत नहीं करते, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा घटाते हैं ये कहकर माज़ अल्लाह वो कब्र में रेजा रेजा हो गए, और हमारी लाठी इनसे ज्यादा नफामंद है, और वो किसी किस्म की शफात नहीं कर सकते, और इनकी कब्र मुबारक की जियारत करना मुस्तहब नहीं, और जब तक आयत मुबारक फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह नाजिल नहीं हुई थी, जो कि मदनी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं जानते थे। ये जो इतराजात किए जाते हैं, अब कह खुद नकल कर रहे हैं इतराजात, शेख उलिस्लाम कहते हैं और हम उलमाए उम्मत की आरा को कोई अहमियत नहीं देते और उनकी किताब को जला देने के कायल है कि इसमें हक व बातिल हर किस्म की बातें हैं। YouTube पर आप सुनेंगे ये बातें जो आपके ऊपर लगाया जाए, और हम मुजस्मा हैं और अल इतलाक मुसलमानों की तकफीर करते हैं, और हम किसी को उस वक्त तक बैत नहीं करते जब तक कि वो इसका इकरार ना कर ले कि वो पहले मुशरिक था और उसके माँ बाप कुफ्र पर मरे, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से मना करते हैं और जियारत कबूर को मुतलकन हराम जानते हैं। ये पूरे एतराजात किसने नकल किए, खुद शेख उल इस्लाम ने, और ये अद्दुर्रुसनी या फिर अजूबात नजदिया, ये किताब आप उठाकर देखें, इसके अंदर शेख ने इसका जवाब दिया है, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 229 है। कहते हैं तमाम एतराजात नकल करने के बाद, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पना, ये सब के सब खुराफात है, और इन सब खुराफात के जवाब में हमारा एक ही जवाब है, सुभाना कहादा बहतान नदी, बस इनमें से जो बात भी कोई हमारी तरफ मंसूब करता है वो हम पर झूठ बोल रहा है और इफ्तरा घड़ रहा है। जिस किसी ने हमारी हालात का मुशाहदा किया हो और हमारे साथ रहा है तो वो यकीनी तौर पर इस बात को जान लेगा कि ये सब खुराफात है जो हमारी तरफ मंसूब की गई है लोगों को हमसे मुतनफिर करने के लिए, लोगों से हमको दूर करने के लिए। फिर अदुररुसनिया के अंदर ही अजूबात नजदिया काफी मुफीद किताब है, उसके अंदर लिखते हैं कि हमारा ये अकीदा है कि तमाम मखलूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा अलल इतलाक सबसे आला है, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर मुबारक में हयात बरज़खिया के साथ जिंदा है जो शहदा की हयात से भी आला है, और वो सलाम करने वाले का सलाम सुनते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक की जियारत मसनून है, और जो अपने कीमती लम्हात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में सर्फ करे तो इसने दोनों जहानों की कामयाबी को पा लिया, और ये दुरूद इसके गमों और परेशानियों को दूर करने के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये अकीदा है किसका, शेख उल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह का। तो इससे ये बात पता चली कि जो लोग ये कहते हैं कि शेख ने अंबिया या फिर खास कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस की, तो वो लोग अपने दावे में बिल्कुल झूठे हैं। अच्छा, अगर आप इससे भी आगे बढ़ें और भी इख्तबासात आपको मिलेंगे जहां पर इस बात यानी इसकी ये बात वाजे हो जाती है कि आपने कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है क्या नहीं की, तनकीस नहीं की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बकानी इब्ने सहीम अल हद्दाद दहलान ने भी बहुत सारे इसी तरीके के इल्जाम मुस्तकिल आपके ऊपर लगाते रहे, बल्कि एक मकाम पर
इन्हीं झूठे इल्जामात की तरदीद करते हुए आप क्या कहते हैं, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं, और हमारे दिलों के राजों से वो बखूबी वाकिफ थे कि जो अपनी शिर्क और इसकी राहों से दूर होकर खालिस तौहीद पर गामजन हो जाए तो हर वक्त और वो हर मकाम पर मुसलमान है, और हम सिर्फ उसी को काफिर कहते हैं जो अल्लाह और उसके सिफात में किसी को शरीक बनाता है, जबकि शिर्क का गुनाह और इसकी कबाहत इस पर वाजह कर दी गई। नीज आपने ये भी लिखा कि जब हम ऐसे शख्स को काफिर नहीं कहते जो अपनी जहालत या हक बात इस तक ना पहुंचने की बिना पर शेख अब्दुल कादर की मजार पर या अहमद बदवी की मजार पर या इसी तरह दीगर मजारों पर इबादत के मरासिम अदा करता है, तो फिर हम इसको कैसे काफिर कह सकते हैं जो शिर्क नहीं करता या हमारी तरफ हिजरत नहीं करता। तो अब आप समझें ये बात, तो यानी हुज्जत कायम होने के बाद ही किसी को काफिर काफिर यहां पर कहा जाएगा। तो यहां पर यह भी एतराज की वजाहत हो गई कि ये उम्मत मुस्लिमा की तकफीर करते थे या आमतौर पर लोगों को बगैर वजह के जो है काफिर करार देते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। अब आते हैं तीसरे एतराज पर जो काफी यानी आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप अहले बैत को नहीं मानते या अहले बैत से आपका यानी अहले बैत से आपको बुख्स था। पहली बात तो ये है, आप इससे अंदाजा करें, आपके बड़े बेटे का नाम आपने अली रखा, दो बाकी दो बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा, और आपको अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा जिसका नाम आपने फातिमा रखा। तो आप बताइए कि क्या ये अहले बैत से मोहब्बत की दलील है या बुख्स की दलील है? आप शेख की सीरत की कोई भी किताब उठाकर देख ले, आपको ये बात मिल जाएगी। अब रही बात आयत तथहीर जो है कि आयत तथहीर जो है जिसमें कहा गया कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने यही चाहता है कि वो तुमसे हर किस्म की गंदगी दूर करें और तुम्हें पाक साफ कर दे, है कि नहीं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुतहिबानकुम रिस्सा अहले बैत वयतहिरकुम तथहीरा। अब इस आयत की तफसीर में भी आप देखें शेखुल इस्लाम का कलाम, आप वाज़ह तौर पर वहां कहा कि इससे मुराद कौन है, अहले बैत है। फिर आपकी एक मारूफ किताब फजलुल इस्लाम, इस्लाम के फजाइल, उसमें भी आपने यही कहा कि जो जैद इब्न अरकम की जो रिवायत है और वहां पर पूरी बहस नकल कर आपने क्या फरमाया कि इससे भी यहाँ इस हदीस से भी ये बात क्या साबित होती है कि अहले बैत की फजीलत साबित होती है। एक इकतबास जो मैं नकल करना चाहूंगा, जो कल मैंने आपकी जो कल मैंने किताब भेजी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किताब का उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ और काफी मुफीद बातें शेख के अकायद के मुताबिक काफी तफसीली बहस उस किताब में मौजूद है, रसाइल शख्सिया। उसमें शेख लिखते हैं कि जहां तक सब्ज लिबास पहनने का मसला है तो इसको जेब तन करने का राविज कदीम जमाने में था, अहले बैत और गैर अहले बैत के दरमियान फर्क रवा रखने के लिए ये रिवाज अपनाया गया था कि जो शख्स इनसे नावाकिफ हो वो भी इस निशानी की वजह से उन्हें जान ले और नादानी की वजह से इन पर कहीं जुल्म ना कर बैठे। दूसरी बात यहाँ पर आप गौर करें, अहले बैत के मुताबिक लिखते हैं, दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए बंदों पर चंद हुकूक को लाजिम करार दिया है, चुनाचे इस बारे में किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि इनको इनके हक से महरूम करे और खुशफहमी में मुबतला होकर ये समझ बैठे कि यही हमारा अकीदा तौहीद का तकाजा है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि यही चीज तो दीन के अंदर गुलू कहलाती है, और हमने गुलू को खतरे को मद्देनजर रखते हुए ही तो इस सिलसिले में मोहतात अंदाज इख्तियार किया, वरना हम भी अहले बैत की इज्जत व एहतराम और इनकी तौकीर व तादीम के कायल हैं, लेकिन हम इनकी तादीम व तकरीम इस हद तक ही करते हैं, हम इनकी उलूहियत के मकाम पर फाइज करने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए हमने इनके बारे में उलूह की मुखालिफत करके इनके बारे में उलूहियत के दावे की जड़ काट दी है। अब आप देखें कि एहतराम अपनी जगह है लेकिन हम उलूहियत पर कायम नहीं करते। अब फिर आपने मजमूर रसाइल में भी कहा कि हम में और आप में हर फर्द पे ये बात वाजिब है कि वो अपने इल्म से अल्लाह ताला की रजा ख्वाह हो और इससे अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इशाअत व तरवीज का काम ले, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर उसके बाद आपने फिर अहले बैत की जो है वहां पर भी जो है फजीलत साबित की, और उसके बाद जो दुरूद का मसला है कि जो दुरूद इब्राहिम में जब हम अहले बैत पर दुरूद भेजते हैं, सलात व सलाम भेजते हैं, फिर अहले बैत की हक की दोस्ती, हत्ता कि आपने एक मकाम पर जहां आपने एक मकाम पर यहां तक लिखा कि उम्मत मुस्लिमा पर अहले बैत की तरफ से बिला शिरकत गैर से चंद हुकूक आयद होते हैं, इनमें से एक हक ये है कि हम इनसे मोहब्बत व भाईचारगी और ताल्लुक कल्बी का मामला रखें और इनका एजाज व इकराम करें और इनसे
उन स्वमहब्बत की रोश अख्तियार करें। इसके साथ साथ अहले बैत से सारे कबीला कुरैश में इतनी इज्जत व तौकीर का इस्तेहकाक रखते हैं कि कबीला कुरैश के दीगर लोगों का जिसका इस्तेहकाक नहीं, इसी तरह कबीला कुरैश के हम पर जो हुकूक आयद होते हैं दीगर कबाइल का इस्तेहकाक नहीं पहुंचता, जैसा कि अरबों को सारे आलम पर जो हुकूक हासिल है वो तमाम बनी नौ इंसानी के लोगों को एक दूसरे पर आयद हुकूक में अपनी नौइयत में मुनफरिद है। यानी बता रहे हैं कि जो अहले बैत के हुकूक है वो ऐसे हुकूक किसी और के नहीं है। फिर फरमाया कि कबीला बनी हाशिम से नबी करीम सम की निस्बत होने की वजह से कबीला बनी कुरैश की किसी फर्द की बनो हाशिम के मकान पर साई नहीं हो सकती, और कबीला कुरैश से खुलफाए राशिदीन के खानदानी ताल्लुकात की वजह से अरबों में से कोई फर्द इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, और साबिकीन अव्वलीन अरबों में होना इस बात की जमानत है कि बनी नौ इंसानी का कोई इनका मिसल नहीं। अब आप देखें कि जगह जगह आपने जो है ये बातें बयान की, और फिर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत भी आपने तस्लीम की, बल्कि यहाँ तक कहा कि हमारा ईमान है कि हमारे नबी रिसालतुल उला के अंदर कि हमारा ईमान है कि हमारे नबी अल्लाह के रसूल आखिर नबी है और खातमुल मुरसलीन है, और आप सबकी ज़ात पर नबूवत और रिसालत खत्म हो गई, आपके बाद अब कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं, और बंदे का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का इकरार ना करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बिला इजमा सैयदना अबू बकर सबसे अफजल है, इसी के बाद बिलतरतीब सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान ज़ुन्नैरैन, फिर सैयदना अली। अब इन तमाम बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो इल्जाम आप पर लगाए गए हैं वो इल्जाम दुरुस्त नहीं है। तो साथियों, इन बातों से ये बात पता चली कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, पहली चीज ना आपने नबूवत का दावा किया, दूसरी चीज ना आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कमी की, और तीसरी बात ना आपने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मुतालिक कुछ कहा। अब देखते हैं, यहाँ पर एक बात देखने की है और मैं चाहता हूं कि आप लोग तवज्जो दें, हो सकता है 10 मिनट ज्यादा चले जाए लेकिन ये 10 मिनट इंशाअल्लाह आपके लिए काफी मुफीद रहेंगे। वो क्या है साथियों, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चले मान ले कि ये जो लोग कह रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार लोग कहते हैं, अच्छा उनके बारे में हम देखें, चलिए उनका पहला अकीदा हम लेते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं है, है कि नहीं। अब यहां पर देखें, वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك। इस आयत की तफसीर में इमाम राकिब अस्फहानी ने अदरिया इला मकारिम शरिया के अंदर एक लतीफ बहस की है, वो जरूर आप पढ़ें इंशाल्लाह, कभी याद दिलाए मैं बहस उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। लेकिन देखें, आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को सजदा करने वाले कौन है, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, और मलाइका किससे बने हैं, नूर से बने हैं। अब नूर सजदा किसको कर रही है, नूर सजदा कर रही है बशर को, इसी को शायर ने कहा कि फरिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। अब ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत है, सिफत नूर, ये तो सिफत है, ये जात के एतबार से नहीं कहा गया। जैसे कि ये कहूं मैं कि असदुल्लाह है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि ये अल्लाह के शेर है, ये बतौर सिफत है, यानी शेर जैसी बहादुरी अल्लाह ने आपको अता की, लेकिन मैं कहूँ कि ये हकीकत में शेर है तो ये अदब नहीं है, ये ताजीम नहीं है, ये तकरीम नहीं है, ये क्या है, गुस्ताखी है। तो ये सिफत सैफुल्लाह अगर मैं कहूँ सैयदना खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार, तो ये बतौर सिफत है अगर मैं जात के एतबार से ये इस्तेमाल नहीं होता। अगर नूर भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बतौर सिफत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुखरी जन्नात मिन अज़्ज़ुलमात इला नूर, के लोगों को गुमराही से हटाकर नूर की तरफ लेकर जाते हैं। अब बताइए कि जो शख्स अपने आप को तो बशर समझे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर समझे, तो बताइए ये खुद को तो पहली कैटेगरी में रख रहा है कि मुझे फरिश्तों ने सजदा किया और अल्लाह के रसूल को कौन सी कैटेगरी में रख रहा है। अब बताइए, कभी कभी इसी वजह से मोहब्बत के रंग में नफरत हो जाती है, दोस्ती के रंग में दुश्मनी हो जाती है, और उसी तरीके से अदब के रंग में गुस्ताखी हो जाती है, और यही वो लोग हैं जो हकीकत में गुस्ताख है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो शेख पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा चले, दूसरी मिसाल मैं बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, और अगर ऐसा ना होता तो कैसे होता, तो फिर जिब्रील क्या लाते थे,
ये जो वही का सिलसिला है, ये जो सूरतें हैं कि मक्का के अंदर ये आयतें नाजिल हुई, मदीना के अंदर ये आयतें नाजिल हुई, मुशरकीन ने, अहले किताब ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सब खामोश हो गए, जिब्रील वही लेकर आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि जब सब कुछ बता दिया तो जिब्रील क्या लाते थे, अल्लाह ने क्या बताया फिर। अब देखें यहां पर, जब आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लामुल गुयूब है, हर चीज का पता है, तो ये असल में वही के नुजूल को फुजूल बताया जा रहा है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां पर गुस्ताखी हो रही। आगे बढ़े आप, अब मुख्तारे कुल का आप अकीदा ले लें कि जिसे चाहे जन्नत में डाल दें, जिसे चाहे जहन्नुम में डाल दें। अब जब जिसे चाहे आप जन्नत में डाल सकते हैं, जिसे चाहे आप जहन्नुम में डाल सकते हैं, तो ये जो कयामत का मंजर है, ये जो रिवायतें आती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम खौफजदा है, पूरी कायनात बल्कि पूरी खल्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सिफारिश करने के लिए कह रही है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो रहा है, और आपकी तवस्सुल से, आपकी दुआ से, आपकी शफाअत से उम्मत को या उम्मत की कसीर तादाद को उनके गुनाहों को माफ कर कर जन्नत में दाखिला दे रहा है, जहन्नुम से नजात दे रहा है। तो फिर जब ये रोना किस लिए है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का राजी होना किस लिए है, जब किसी जिसको चाहे उसको जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे उसको जहन्नुम में डाल दे, तो फिर शफाअत किस लिए है, ये रोना किस लिए है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो राजी हो रहा है वो किसके लिए। तो पता ये चला कि हकीकत में जो शख्स मुख्तारे कुल का अकीदा रखता है, ये शान नहीं, वो हकीकत में अकीदा शफाअत का इनकार कर रहा। तो बताना मकसद ये है साथियों कि ये जो लोग समझते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम कर रहे हैं, ये तादीम नहीं तौहीन है। मुझे ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए और एक मिसाल से मैं बात अर्ज करने लगा हूं ताकि बात वाज़े हो जाए कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं तो बनु अदी से सदरा अबू बकर आपके पास तशरीफ लाते हैं, बनु तमीम से सदरा अबू बकर तशरीफ लाते हैं, बनु अदी से सदरा उमर इबन खत्ताब तशरीफ लाते हैं, बनु उमैया से सदरा उस्मान इबन अफान तशरीफ लाते हैं, कुरैश से सदरा अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाते हैं, हबशा से सदरा बिलाल आ रहे हैं, रूम से सदरा सुहैब आ रहे हैं, फारस से सैयदना सलमान फारसी आ रहे हैं, सहाबा मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुमालिक से आपके पास आ रहे हैं, हत्ता के जिब्रील अर्श से नाजिल हो रहे हैं अल्लाह की वही को लेकर, किसके पास आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। क्यों? आप सैयदुल कौनैन व सकलैन हैं, आपके पास हाजिरी दी जाती है। लेकिन यहां क्या है मामला, यहां मामला बिल्कुल बरअक्स है। यहां क्या है कि जब कोई महफिल हो जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए और कहते हैं कि यहां पर कौन आ गए, नौज बिल्लाह मिजाल, कौन आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप देखें कि ये क्या है मसला है हाजिर और नाजिर, ये क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम है, बताइए आप लोग। तो सोचने का मकाम है कि ये जो लोग दावा कर रहे हैं, यानी बिल्कुल अक्ल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई बात, इस बात में कोई शक नहीं, अला वजीहिल बसीरत में ये बात कहता हूं कि अक्ल से महरूम हो चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। क्यों? जब इंसान कुरान को तर्क कर देता है, अहादीस को तर्क कर देता है, अल्लाह जलाल मुबीना, खुली गुमराही में उसकी गुमराही हर रोज बढ़ती ही जाती। अगर इससे भी आगे बढ़े हम तो ऐसे ऐसी इबारतें इनकी किताबों में मौजूद हैं जो नकल नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है ये कोई मुनादरे का मैदान नहीं, लेकिन बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि इल्जाम लगाना तो काफी आसान है, कोई भी किसी पर इल्जाम लगा सकता है, लेकिन अदल व इंसाफ से काम लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें खड़े होना। तो बात ये पता चली कि जो एतराजात शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह पर किए गए वो एतराजात है ही नहीं, शेख उल इस्लाम का अकीदा तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ है, आप खत्म नबूवत के भी कायल है, बल्कि आप जो शख्स खत्म नबूवत का इनकार करता है उसे काफिर समझते हैं, बल्कि दूसरी बात आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के कायल है, बल्कि आपने जिस तरीके से शान बयान की, शायद ही किसी उस दौर में बयान की हो, क्योंकि
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मानना काफी नहीं है। जात से तो अबू तालिब भी मोहब्बत करते थे, लेकिन जात से मोहब्बत करना इंसान की नजात के लिए काफी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का एक मफहूम या एक तकाजा ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। और मुखालिफिन ने तालीमात पर अमल नहीं किया। मुखालिफिन को आप देखें, उनकी शिर्क की तारीफ को आप देखें, उनकी कब्र परस्ती को देखें, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात, आप देखें अहले बैत से किस तरीके से आपको मोहब्बत थी। यहां पर तो नाम किनके नाम पर रखे जाते हैं आप देख लें, लेकिन आप शेख की जाती जिंदगी उठाकर देख लें, जो नाम रखे गए हैं वो अहले बैत के ऊपर नाम रखे गए हैं, और जगह जगह आपने अहले बैत के हकूक को बयान किए। यही वजह है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने क्या कहा, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना क्या है, नासबी राफजी होना है तो मैं राफजी। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, अगर अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने कहा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अस्मा व सिफात को साबित करना इसका यह मतलब है कि मुजस्मा है तो मैं मुजस्मा हूँ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी यही कहा कि अगर सहाबा का दिफा करना नासबियत है तो मैं बिल्कुल नासबी हूँ। और उसी तरीके से आप दीगर उलमा को देखें, उन्होंने ये कहा कि अगर अब्दुल गालिबन अल्लामा अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान के बारे में आता है कि अगर तौहीद की नशरो इशाअत करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की उलूहियत को साबित करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अफआल में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के असमा में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात में किसी को शरीक नहीं करना, ये ही वहाबियत है तो मैं वहाबी हूँ। तो मुख्तसर ये बातें थी जो आज के दर्स में हमने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बात कहने की और हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं, कल इंशाअल्लाह हम बाज़ एतराज़ात दीगर, जैसे एक एतराज़ात आप पर ये भी किया गया कि आपने सल्तनत उस्मानिया से बगावत की है कि नहीं। बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि आपने हुक्मरान के खिलाफ खुरूज किया, ये भी एक एतराज है। बाज ने यह भी कहा कि आपने उम्मत मुस्लिमा की कसीर तादाद को, उस पर भी हम तफसील से बहस करेंगे, काफिर करार दे दिया। तो ये जो एतराजात किए गए हैं, इंशाअल्लाह हम इन एतराजात का भी कल तफसील से जवाब देकर बहुत जल्द फिर हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे कैसे जो है मुश्किलें आई और कैसे कैसे किन किन असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं शेख के जो शेख ने हदीस किससे पढ़ी है, आपको पता है शेख ने हदीस पढ़ी है शेख मोहम्मद हयात सिंधी रहमतुल्लाह से। शेख मोहम्मद हयात सिंधी कहाँ के थे, हिंदुस्तान के थे। अल्लाहु अकबर, हमारे उलमा ने शेख मोहम्मद हयात सिंधी आप उठाकर देखें, शेख मोहम्मद हयात सिंधी के उस्ताद कौन है, अबुल हसन सिंधी रहमतुल्लाह। तो बहरहाल बातें तो बहुत सारी है। फिर शेख मोहम्मद हयात सिंधी और शाह वलीउल्लाह की जो मुलाकात हुई, फिर शेख इस्लाम अब्दुल वहाब ने शेख मोहम्मद हयात सिंधी से जो सीखा, वो पूरी तफसील इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये है, जिसके जो सवाल है वो ग्रुप पर पोस्ट कर दें। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।